नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का झारखंड लाइव के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर आज मार्च माह के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन देखने वाले हैं और उसका यहाँ पर आज पार्ट फोर है और ये अंतिम पार्ट है मार्च माह का तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स आएगा वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हम लोग यहाँ पर आज मार्च माह के झारखंड के करंट अफेयर्स के यहाँ क्वेश्चन देखते हैं जो कि पार्ट फोर है तो आज का यहाँ पर पहला प्रश्न है 20 मार्च को जयपाल सिंह मुंडा की कौन सी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई ठीक है तो कौन कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई जयपाल सिंह मुंडा की तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर जाएगा पुण्यतिथि जो मनाई गई है वो पचासवीं पुण्यतिथि मनाई गई है जयपाल सिंह मुंडा की तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर खेलो इंडिया विंटर गेम्स में झारखंड टीम को कुल कितने पदक प्राप्त हुए हैं ठीक है खेलो इंडिया विंटर गेम्स में झारखंड टीम को कुल कितने पदक प्राप्त हुए हैं तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर यहां पर देख लीजिए बी इज राइट आंसर हो जाएगा आठ पदक प्राप्त हुए हैं कितने पदक आठ पदक प्राप्त हुए हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स में झारखंड टीम को तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है यहां पर झारखंड स्टेट सब जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कौन सी टीम चैंपियन बनी है ठीक है झारखंड स्टेट सब जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कौन सी टीम चैंपियन बनी है तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज और राइट आंसर हो जाएगा रांची की टीम चैंपियन बनी है कौन सी टीम रांची की टीम झारखंड स्टेट सब जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में चैंपियन बनी है तो ऑप्शन नंबर ए इज और राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है आओ बनिए गुरु सिख प्यारा क्विज प्रतियोगिता में राज्य के कितने प्रतिभागी शामिल होंगे ठीक है आओ बनिए गुरु सिख प्यारा क्विज प्रतियोगिता में राज्य के झारखंड राज्य के कितने प्रतिभागी शामिल होंगे तो इसका सही आंसर पर ऑप्शन नंबर बी इज और कुल दो प्रतिभागी शामिल होंगे कितने कुल दो प्रतिभागी शामिल होंगे अगला प्रश्न है यहां पर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान किसे प्रदान किया गया है ठीक है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मीडिया मीडिया सम्मान किससे प्रदान किया गया है तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा प्रभात खबर को किसको प्रभात खबर को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान से सम्मानित किया गया है तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा प्रभात खबर जो कि एक डेली रोजाना यह अखबार यहाँ पर प्रिंट होती है अगला प्रश्न है झारखंड से प्रकाशित होने वाली प्रथम पत्रिका घर बंधु के कितने वर्ष प्रकाशन में हो गए हैं ठीक है तो झारखंड से प्रकाशित होने वाली प्रथम पत्रिका घर बंधु कितने वर्ष प्रकाशन में हो गए हैं तो इसका सही आंसर जो होगा यहां पर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा एक वर्ष कितने वर्ष एक वर्ष हो गए हैं झारखंड से प्रकाशित होने वाले प्रथम पत्रिका घर बंधु कि तो हाँ का हो प्रकाशित होते हुए एक वर्ष हो गया है चलिए अगला प्रश्न यहां पर देखते हैं और अगला प्रश्न है झारखंड किस फुटबॉल खिलाड़ी का चयन ईस्ट बंगाल टीम में हुआ है ठीक है तो झारखंड किस फुटबॉल खिलाड़ी का चयन ईस्ट बंगाल टीम में चयन हुआ पीयूष सिकरवार को किसका पीयूष सिकरवार का चयन ईस्ट बंगाल टीम में हुआ है तो ऑप्शन तो नंबर राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है हाल ही में पीके बनर्जी का निधन हो गया वह एक थे ठीक है तो हाल ही में पीके बनर्जी का निधन हो गया वह एक थे तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा वह एक फुटबॉल खिलाड़ी थे क्या थे वह एक फुटबॉल खिलाड़ी थे तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा पी के बनर्जी एक फुटबॉल खिलाड़ी थे जिनका कि हाल ही में निधन हो गया है अगला प्रश्न है राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सभी जिलों को कितनी राशि दी गई है ठीक है तो सभी जिलों को कितनी राशि दी गई है तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा पचास लाख रुपया दिया गया है तो राज्य के जितने सारे उपायुक्त थे उन सभी उपायुक्तों को पचास पचास पच्च लाख रुपया दिया गया है तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है राज्य में गोडा मॉडल एजुकेशन के लिए नीति आयोग ने कितनी राशि देने की घोषणा की है ठीक है तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि गोडा का मॉडल जो है यहाँ पर एजुकेशन के लिए पूरे राज्य भर में लागू किया जाएगा और इसके लिए केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार की नीति आयोग ने यहाँ पर राशि देने की घोषणा की है तो कितनी राशि देगी केंद्र सरकार तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा बीस करोड़ रुपये देगी कितने बीस करोड़ रुपए जारी करेगी नीति आयोग तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है, है? है, है तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा अनुज लगुन को किनको लगुन को युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 से प्रदान किया गया है सम्मानित किया गया है तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है झारखंड के कितने टोल पर फास्ट टैग से भुगतान की सुविधा उपलब्ध किया जा रहा है ठीक है उपलब्ध है या फिर इसका यहाँ पर व्यवस्था किया जा रहा है तो इसका सही आंसर जो हो होगा यहां पर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा कुल पांच टोल प्लाजा पर कितने कुल पांच टोल प्लाजा पर फास्ट टैग के माध्यम से भुगतान किया जाएगा ठीक है तो जो एनएच पर चलते हैं उसका टैक्स भरना होता है तो ये फास्ट टैग जो है यहाँ पर के माध्यम से पाँच टोल प्लाजा पर भुगतान किया जाएगा चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर और अगला प्रश्न है राज्य के कितने हाई और प्लस टू स्कूलों में वोकेशनल व्यावसायिक शिक्षा की पढ़ाई शुरू की जाएगी ठीक है तो राज्य के कितने हाई स्कूलों और प्लस टू स्कूलों में वोकेशनल व्यावसायिक शिक्षा की पढ़ाई शुरू की जाएगी तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा कुल दो स्कूलों में कितने कुल दो स्कूलों में रोजगार के अवसर प्राप्त हो इसलिए व्यावसायिक शिक्षा यहाँ पर शुरुआत की जाएगी तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है वित्तीय वर्ष दो हजार के लिए रांची नगर निगम ने कितनी राशि की बजट पेश की है ठीक है वित्तीय वर्ष दो हज़ार के लिए रांची नगर निगम ने कितनी राशि की बजट पेश की है तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख लीजिए सी इज राइट आंसर हो जाएगा बाईस करोड़ रुपए कितने बाईस करोड़ रुपए यहाँ पर रांची नगर निगम द्वारा वित्तीय वर्ष दो हजार के लिए बजट पारित किया गया है तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है राज्य में नई छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की जाएगी तो इनमें से कौन सी योजना होगी जिसकी की शुरुआत की जाएगी राज्य में नई छात्रवृत्ति योजना तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा ए एवं बी दोनों ही ठीक है तो मुख्यमंत्री मेधा योजना और मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना ये दोनों ही यहाँ पर योजना नई छात्रवृत्ति के लिए शुरू की जाएगी राज्य सरकार द्वारा तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है ठीक है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है इसका सही आंसर जो होगा यहां पर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर जाएगा बाईस मार्च को कब मनाया जाता है बाईस मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व जल दिवस 22 मार्च को पूरे विश्व में मनाया जाता है इसका उद्देश्य विश्व के सभी देशों को स्वच्छ एवं सुरक्षित जल मुहैया कराना और सभी देशों को पानी के महत्व को समझते हुए जल संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करना इस वर्ष का थीम है जल और जलवायु संकट की संबद्धता ठीक है इस वर्ष का थीम क्या है जल और जलवायु संकट की संबद्धता अगला प्रश्न है यहाँ पर वुसू एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव किसे नियुक्त किया गया है ठीक है वो सूच एसोसिएशन के एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव किसे नियुक्त किया गया है तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ए इज राइट आंसर हो जाएगा जितेंद्र सिंह बाजवा को किनको जितेंद्र सिंह बाजवा को वसू एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव नियुक्त किए गए हैं तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है यहाँ पर झारखंड राज्य में कुल कितनी उपराजधानियाँ होंगी ठीक है झारखंड में आने वाले दिनों में कुल कितनी उपराजधानियाँ होंगी तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा कुल चार उपराजधानियाँ होंगी कितनी होंगी कुल उप चार उपराजधानियाँ होंगी झारखंड राज्य में फिलहाल एक उपराजधानी है जो कि दुमका है तीन अन्य स्थापित किए जाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है जल शक्ति अभियान में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है ठीक है तो केंद्र सरकार द्वारा यहाँ पर जल शक्ति अभियान यहाँ योजना लागू की गई थी तो झारखंड को इसमें कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है झारखंड राज्य को कौन सा स्थान झारखंड राज्य को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है अगला प्रश्न है यहाँ पर गुवाहाटी में आयोजित चौथे चलचित्र राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ महिला फिल्म निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला है गुवाहाटी में आयोजित चौथे चलचित्र राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ महिला फिल्म निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला है तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज और राइट आंसर हो जाएगा रश्मि सिंह को किनको रश्मि सिंह को यह पुरस्कार मिला है जो कि चौथे चलचित्र राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ महिला फिल्म निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है तो ऑप्शन नंबर ए इज और राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है झारखंड में खतरनाक कोरोना वायरस के प्रसार के और रोकथाम के लिए सरकार ने कब तक तालाबंदी करने का निर्णय लिया है तो ये तालाबंदी जो यहाँ पर निर्णय लिया गया था उसे फिर से यहाँ पर जो है वो तीन मई तक एक्सटेंड कर दिया गया है ठीक है तो फिलहाल यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर लॉकडाउन किया गया था वो इकतीस मार्च तक किया गया था कब तक किया गया था इकतीस मार्च तक किया गया था तो आपसे ये ये बातें याद रख सकते हैं महत्वपूर्ण नहीं है सिर्फ आप यहाँ पर जानकारी के लिए इसे याद रख सकते हैं अगला प्रश्न है झारखंड में कितने जिलों में स्वचालित मौसम स्टेशन स्थापित किया जाएगा ठीक है तो झारखंड के कितने जिलों में स्वचालित मौसम स्टेशन स्थापित किया जाएगा तो इसका सही आंसर जो होगा पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा सोलह जिलों में सोलह जिलों में स्वचालित मौसम स्टेशन स्थापित किए जाएंगे अगला प्रश्न है झारखंड राज्य के कितने पंचायतों में आइसोलेशन वार्ड बनाया जाएगा ठीक है तो झारखंड के राज्य के कितने पंचायतों में आइसोलेशन वार्ड बनाया जाएगा कोरोना वायरस से निपटने के लिए तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ए इज और राइट आंसर रहेगा सभी पंचायतों में तैतालीस पंचायतों में आइसोलेशन वार्ड बनाया जाएगा अगला प्रश्न है यहाँ पर राज्य में नगर निगम निकाय चुनाव के लिए कितनी राशि की स्वीकृति दी है राज्य में नगर निकाय चुनाव के लिए कितनी राशि की स्वीकृति दी गई है तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा नौ करोड़ बत्तीस लाख रुपए कितने नौ करोड़ बत्तीस लाख रुपए यहाँ पर जो है स्वीकृति दी गई है राज्य सरकार द्वारा ठीक है तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है बीसवीं राष्ट्रीय सब जूनियर वसु प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाएगा बीसवीं राष्ट्रीय सब जूनियर वसु प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाएगा तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा रांची में कहाँ पर रांची में इसका आयोजन किया जाना था बीसवीं राष्ट्रीय सब जूनियर वसु प्रतियोगिता का तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है यहाँ पर देश क्या दूसरा कृषि अनुसंधान झारखंड के किस जिले में स्थापित की गई है देश का दूसरा कृषि अनुसंधान झारखंड के किस जिले में स्थापित की गई है तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर जाएगा हजारीबाग में हजारीबाग के बरही में यह स्थापित किया गया है कहां पर किया है तो ये हजारीबाग में स्थापित किया गया है देश का दूसरा कृषि अनुसंधान अगला प्रश्न है यहाँ पर तो देख लीजिए इनमें से कौन सा प्रस्ताव केंद्र सरकार के अधिनियम के विरुद्ध विरोध में झारखंड विधानसभा में पारित हुआ है ठीक है तो इनमें से कौन सा प्रस्ताव केंद्र सरकार के अधिनियम के विरोध में झारखंड विधानसभा में पारित हुआ है तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा ठीक है तो एनआरसी और एनपीआर के विरोध में झारखंड में विधानसभा में भवन में एक प्रस्ताव पारित हुआ है इसके विरोध में तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा यहाँ राज्य सरकार की मांग है कि एनपीआर जो हो वो वर्ष दो, दो के अनुसार हो ठीक है जो वर्ष दो में इसका एन हुआ था लागू वही एनपीआर फिलहाल लागू करने की मांग की गई है अगला प्रश्न है यहाँ पर राज्य के कितनी कक्षा तक के बच्चे बिना इम्तिहान दिए अगले क्लास में प्रोन्नत किए जाएंगे ठीक है तो कोरोना वजह कोरोना वायरस की वजह से यहाँ पर राज्य में स्कूलों को बंद कर दिया गया है कक, कक्षाएं यहाँ पर जो है रोक दी गई हैं क्लासेस नहीं चल रही हैं तो जो नीचे क्लास नीचे वर्ग की कक्षाएं हैं उन सभी बच्चों को प्रोन्नत कर दिया जाएगा सीधे अगली क्लास में तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर जाएगा कक्षा पाँच से सात के बच्चों को सीधे प्रवनत किया जाएगा अगली कक्षा में तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है झारखंड का एकमात्र मेडिकल अस्पताल जहाँ कोरोना की जाँच की सुविधा उपलब्ध है तो यह पुराना क्वेश्चन है उस उसमें स्टार्टिंग में जब यहाँ पर इसकी जांच हो रही थी कोरोना वायरस की तो वो एम जी एम अस्पताल जमशेदपुर में हो रही थी कहाँ पर हो रही थी एम जी एम अस्पताल जमशेदपुर में पहला झारखंड का कोरोना जाँच केंद्र था तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी स्मृति पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा अटल बिहारी स्मृति पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख लीजिए और इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा रांची में किया जाएगा कहाँ पर किया जाएगा रांची में अटल स्मृति पार्क का निर्माण किया जाएगा चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है नई झारखंड विधानसभा में किन की प्रतिमा स्थापित की गई है ठीक है तो नई जो झारखण्ड विधानसभा भवन निर्माण किया गया है वहाँ पर किन की स्थाप यहाँ पर मूर्ति जो है वो प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा ए एवं बी दोनों ही तो भगवान बिरसा मुंडा और अटल बिहारी वाजपेयी इन दोनों की यहाँ पर प्रतिमा स्थापित की गई है नई झारखंड विधानसभा भवन में अगला प्रश्न है यहाँ पर ठीक है झारखंड के किस स्थान में दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप का निर्माण किया जाएगा ठीक है दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप का निर्माण कहाँ किया जाएगा तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर जाएगा ठीक है इटखोरी में कहाँ पर इटखोरी में दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध का निर्माण किया जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है डॉक्टर एम विश्वसराया पुरस्कार झारखंड में किसे आ, किस व्यक्ति को मिला है ठीक है तो डॉक्टर एम विश्वसराया पुरस्कार झारखंड में किस व्यक्ति को मिला है तो इसका सही आंसर जो होगा यहां पर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा शुभ्र धारा को किनको को धारा को डॉक्टर से सम्मानित किया गया है तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है कोरोना की जानकारी के लिए राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम की हेल्पलाइन नंबर चालू की गई है तो हेल्पलाइन नंबर कितनी यहां पर चालू की गई है कौन सी नंबर है इनमें से तो इसका सही आंसर जो होगा यहां पर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा एक सौ इक्यासी कौन सी एक सौ इक्यासी यहां पर राज्य में कंट्रोल हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर जारी किया गया है तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा यह राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम का हेल्पलाइन नंबर है अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत राशन लाभुकों को कितने माह का अनाज दिया जाएगा ठीक है तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत राश, राशन लाभुक को कितने माह का अनाज दिया जाएगा इस लॉकडाउन के दौरान तो इसका सही आंसर जो होगा यहां पर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर रहेगा दो महीने का कितने माह का दो माह का यहां पर अतिरिक्त राशन दिया जाएगा ठीक है तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा यहां पर यहां पर कुछ पुराने क्वेश्चन जो है वो शामिल हो गए थे तो उन्हें हमने यहाँ पर स्किप कर दिया है अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के राशन कार्ड धारकों को कितना अनाज देने की घोषणा की है ठीक है तो जो राशन कार्ड धारक है उनको कितना अनाज दिया जाएगा तो इस तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा दस के जी यहाँ पर देने की घोषणा की गई है कितनी दस के जी यहाँ पर देने की घोषणा की गई है अनाज तो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है यहाँ पर जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत है, सोरेन ने राशन कार्ड धारकों एवं आवेदन देने वाले को सात लाख लोगों को दस दस किलो चावल देने की घोषणा की है अगला प्रश्न यहाँ पर झारखंड किस जिले में झारखंड के किस जिले में राशन व्हाट्सएप के माध्यम से होम डिलीवरी की शुरुआत की गई है ठीक है तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर जाएगा रांची जिला में किस जिला में रांची जिला में राशन व्हाट्सएप के माध्यम से होम डिलीवरी की शुरुआत की गई है तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है झारखंड राज्य का दूसरा अस्पताल जहां कोरोना वायरस संक्रमण की जांच की सुविधा उपलब्ध कराई गई है तो यह अस्पताल है रिम्स अस्पताल कौन सा अस्पताल रिम्स अस्पताल है जो कि झारखंड राज्य का दूसरा अस्पताल है जहां कोरोना संक्रमण की जांच हो रही है तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है झारखंड में मनरेगा की मजदूरी में प्रतिदिन कितने रुपये की बढ़ोतरी की गई है ठीक है प्रतिदिन में कितने रुपये यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है केंद्र सरकार द्वारा तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा तेईस रुपया बढ़ाया गया है कितना बढ़ाया गया है तेईस रुपया बढ़ाया गया है बढ़ोतरी की गई है तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है झारखंड के किस जिला मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है झारखंड के किस जिला में मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा रांची जिला में इसकी शुरुआत की गई है किस जिला में रांची जिला में इसकी शुरुआत की गई है मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन की फिर से यहाँ पर कुछ पुराने क्वेश्चन इंक्लूड हो गए थे तो हमने यहाँ पर स्किप कर दिया है अगला प्रश्न है झारखंड के नए मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है ठीक है झारखंड के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं तो इसका सही आंसर जो होगा यहां पर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा सुखदेव सिंह को किनको सुखदेव सिंह को राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रधान सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रधान सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा राजीव अरुण एका कौन है राजीव अरुण एका है जो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रधान सचिव हैं तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है 28 मार्च को वीर शहीद नीलांबर पीताम्बर की कौन सी शहादत दिवस मनाई गई है ठीक है तो वीर शहीद नीलांबर पितांबर की कौन सी शहादत दिवस, तो दिवस हाल ही में मनाई गई है 28 मार्च को तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा एक सौ इकसठवीं कौन सी एक सौ इकसठवीं शहादत दिवस मनाई गई है वीर शहीद नीलाम्बर पीतम्बर की तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है हाल ही में सरहुल पर्व राज्य में मनाई गई इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है ठीक है तो हाल ही में सरहुल पर्व राज्य में मनाई गई है इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा बाह परब ठीक है तो ये बाह परब के नाम से भी इसे जाना जाता है तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है राज्य के जरूरतमंद वकीलों को लॉकडाउन की अवधि तक कितनी राशि देने की घोषणा की गई है तो जो जरूरतमंद वकील है जिनको कि यहाँ पर राशि की आ, मदद की जरूरत है तो उनको कितनी राशि देने की घोषणा की गई है तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज right राइट आंसर होगा पच्चीस सौ रुपये यहाँ पर देने की घोषणा की गई तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज right राइट आंसर होगा पच्चीस सौ रुपये यहाँ पर देने की घोषणा की गई है अगला प्रश्न है यहाँ पर राज्य में कितने नए दाल भात केंद्र खोले जाएंगे ठीक है तो राज्य में कितने नए दाल भात केंद्र खोले जाएंगे तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज और राइट आंसर हो जाएगा कुल यहाँ पर सौ नए दाल भात केंद्र खोले जाएंगे कितने कुल सौ नए दाल भात केंद्र राज्य में खोले जाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी इज और राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है हाल ही में बिरसा जैविक उद्यान में हाथी का बच्चा लाया गया है इसका नाम क्या रखा गया है ठीक है हाल ही में यहाँ पर हाथी का एक बच्चा लाया गया है इस हाथी का नाम क्या रखा गया है तो इसका सही आंसर जो होगा यहां पर ऑप्शन नंबर सी इज और राइट आंसर हो जाएगा आनंद इसका नाम रखा गया है क्या रखा गया है आनंद इसका नाम रखा गया है हाथी के बच्चे का तो ऑप्शन नंबर सी इज और राइट आंसर हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो ये थी यहाँ पर आज आ, मार्च माह के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चन और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सके और झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन देख सकें